अरे नहीं, तुम किसी गलत वीडियो में नहीं आए हो यार। अभी शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले इंट्रो तो हो जाए भाई। देखो यार, आज का स्टंट ना भाई सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से लगता है बड़ा होने वाला है। और देखो यार, मतलब ये भी है, और उसके अलावा भाई नीचे देख रहे हो, नीचे भी कितना बड़ा स्टंट है भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। और ये है भाई हमारे प्लेयर्स नोबिता, शिनचैन और अपना कलुआ भाई। और जैसे तुम तो जानते हो भाई कि हमेशा स्टार्टिंग भाई अपना कलुआ भाई करता है, लेकिन पिछले कुछ समय से भाई इसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार चल रही है। चल भाई कलुए, फिर से कर शुरू। एक समय था जब हमारे देश में एक बीमारी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, लोग उसका शिकार हो रहे थे, बीमार पड़ रहे थे, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी। तब हमारे देश की गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया और टिकटॉक को बैन कर दिया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं टिकटॉक नाम की बीमारी की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन नहीं भाई साहब, जैसे कोरोना अलग अलग वेरिएंट में सामने आ रहा है ना, वैसे ही भाई साहब एक टिकटॉक नाम की बीमारी भी एक नए वेरिएंट में सामने आई है, और इस बार इस वेरिएंट का नाम है इंस्टाग्राम। भाई साहब, जितने भी टिकटॉक के छपरी टपरी भोंगा भकड़ी टिकटॉकर्स हैं ना, सारे भाई साहब आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, और आजकल इनकी लीडर बनी हुई है ये। इतनी सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाता हूँ, बस इसी बात का घमंड। अरे नहीं, ये कोई फीमेल जोकर नहीं है भाई, ये हैं एक्सप्रेशन क्वीन। लेकिन इनके एक्सप्रेशंस को देख के भाई साहब तुम भी एक टाइम पे कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि इनके पेट में कब्ज है या इनका मुंह ही कब्ज जैसा है। या फिर मैडम जी, आपको कोई बीमारी तो नहीं है ना? और अगर है भी तो प्लीज उसका इलाज करवाओ यार, आपकी इस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। भाई साहब, जब मैंने खुद पहली बार इनकी वीडियो सॉरी सॉरी रील देखी थी ना, तब मेरा बीपी भी 160 के पार चला गया था। और अगर मैं पाकिस्तानी होता ना तो पक्का भाई साहब अपनी मोबाइल तोड़ ही देता, लेकिन क्या करूं भाई, हम इंडियंस इतने चुगतिये थोड़ी हैं। बात तो सही है। एक तो भाई साहब रील्स में इसकी आंखें देख कर ना भाई मुझे लगता है कहीं ये चरस गांजा फूक के तो नहीं रील बनाती, और अगर बनाती भी है बहन तो ठहर जा, नहीं एनसीबी वाले उठा ले जाएंगे तुझे, और तेरा बाप तो सलमान खान भी नहीं है जो तुझे बचा ले। ये इतने से नहीं मरेगी, अब तू ही जाके कुछ मदद कर। जी भगवान जी, अब तो आप पर ही हैं, अब आप ही कुछ कीजिए, आप ही इसकी बीमारी ठीक कीजिए। पता है, मुझे लगता था कि भाई एकता कपूर के सीरियल्स में आने वाले जो सस्ते विलन्स हैं ना, वही ऐसे रिएक्शंस देते हैं जिसको देखकर भाई तुम्हारे तन मन में आग लग जाए। अब है कौन? होते कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं, सिर्फ एक डॉक्टर है, भगवान तो नहीं है ना? अब मैं अपने पति को बचा के लाऊंगी, उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी, उनका ऑपरेशन अब मैं करूंगी। लेकिन ना, ये दीदी तो भाई उनसे भी 10 कदम आगे निकली। सोचो, अगर ये एकता कपूर के सीरियल में आ गई तो क्या हाल होगा भाई साहब। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं बताता हूँ, हम भी पाकिस्तानियों की तरह फेमस हो जाएंगे। पाकिस्तानी मैच हारने के बाद टीवी तोड़ने के लिए, और इंडियंस एकता कपूर के सीरियल देखने के बाद टीवी तोड़ने के लिए। और बहन की सारी रील्स भाई साहब पहाड़ों पे ही होती हैं। मतलब पहाड़ जैसी सुंदर साफ जगह को भी प्रदूषित कर रखा है इसने तो। सोचो, कल को तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हिल स्टेशन पे गए, सुंदर सुंदर वादियाँ, झरने, पेड़ पौधे, और सामने हगता हुआ एक आदमी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया भाई साहब। कुछ हद तक तो तुम ये भी बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन इसके डांस और इसका रील तुमसे पहाड़ पे बर्दाश्त नहीं होगा ना। या तो तुम भाई इसको धक्का दे दोगे या खुद पहाड़ से कूद जाओगे, तो संभल के जाना, आजकल हिल स्टेशन पे जाना रिस्की है। ये क्या कर रही है बहन, भगवान को डराने की कोशिश कर रही है क्या? अरे कम से कम उन्हें तो छोड़ दे, तेरी ऐसी हरकतें देख के तो भगवान भी शायद डर जाएं। एक हमारे मोदी जी हैं जिनकी वजह से पूरा मालदीव्स बॉयकॉट हो गया और आज घुटने पे है, और एक ये दीदी हैं जो कि पूरे हिल स्टेशंस और इंस्टाग्राम दोनों को बैन करवाएंगी। बहन रुक जा, इंस्टाग्राम तेरी वजह से खतरे में आ गया है, इंस्टाग्राम वालों बचा लो अपने आप को, बाद में मत कहना कि किसी ने वॉर्न ही नहीं किया था तुम्हें। लेकिन इन सब के बावजूद भी भाई साहब बहन के 5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ये बताता है कि हमारे देश की यूथ और हमारे देश की जनता भाई साहब कहाँ जा रही है। यार कौन है ये लोग जिन्हें इसके फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे लगते हैं और देखने के बाद बीपी तक नहीं बढ़ता?
खैर जो भी हो भाई, सबकी अपनी अपनी मर्जी है यार, सबको अपना अपना एंजॉय करने का तरीका है, मजे लेने के तरीके हैं। हम किसी को भाई कुछ नहीं कह सकते और ना ही किसी के लिए भाई इस वीडियो में हेटरेट है, सबके लिए प्यार है भाई। और ये वीडियो सिर्फ मजे के लिए है, तो किसी के लिए भी हेटरेट मत रखना। और अगर तुम्हें भी उसकी वीडियोस अच्छी लगती हैं, रील्स अच्छी लगती हैं, तो जाओ यार फॉलो करो। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, और भले ही भाई बहन के एक्सप्रेशन जैसे मर्जी हो, लेकिन भाई ऐसी रील्स बनाने के लिए भी मेहनत तो लगती ही है। और यूं ही भाई 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स कोई भी गेन नहीं कर लेता। और मेरी बात करूं तो भाई साहब, मैं तो 1000 कंप्लीट करने के लिए तरस रहा हूं। कर दो यार वो भी। तो चलो यार भाई, बहुत हो गई भाई इन रिएक्शन क्वीन वाली दीदी की बातें। अब थोड़ा सा भाई रेस पे भी ध्यान दे लेते हैं। कलुए भाई संभाल के चलाना, क्योंकि तो बिल्कुल एंड फेस में पहुंचा हुआ है। मतलब एंड फेस नहीं, काफी ज्यादा, मतलब तूने रेस ट्रैक को पार किया हुआ है, अब यहां से गिरा यार तो मेरे को बड़ा दुख होगा सीरियसली यार तेरे लिए। हौले हौले बेटा, इन ऑब्स्टिकल्स को इतने हल्के में मत ले, नहीं तेरे को ही। ओ छोटा सा जंप यहां पर लिया भाई, लेकिन बिल्कुल सही जंप लिया। फिर से है मूविंग ऑब्स्टिकल, चलो पीछे वाले से बचा हुआ है भैया, जल्दी जल्दी निकाल ले। शाबाश शाबाश, यहाँ पे संभाल। ओहो भाई, मुझे तो लगा था कुछ नहीं है, लेकिन ये तो भाई, ये तो बोर्ड आ गया ऊपर। जल्दी निकल जल्दी निकल जल्दी भाई, स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है। हौले हौले डाउनफॉल, क्या बात है, बहुत सही। अच्छा हुआ भाई तूने बाइक चूज़ कर ली, वरना सोचो अगर वो 4 टायरों वाली बाइक लेता तो भाई इस पर कैसे चढ़ता है यार। अबे चला ले, क्या कर रहा है। हौले लेकिन ज़्यादा स्पीड मत करना, क्योंकि आगे कॉइन बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मोड़ मोड़ मोड़, बहुत सही। हौले हौले हौले, यहाँ से अब आगे भाई ऊपर भी एक जंप शायद लेना होगा, लेकिन ज़्यादा स्पीड में मत चल भाई, बहुत ही ज़्यादा छोटा ट्रैक है। मतलब वृत्त के हिसाब से भाई बहुत ही ज़्यादा छोटा ट्रैक है। हो भाई डिफिकल्टी तो अब आई है यार, भाई सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, और भाई इतनी पतला है यार ये। ओ भाई हौले हौले चलना भाई, ये बैलेंस थोड़ा सा भी गया ना तो तू पानी में यार। नहीं नहीं, सीधा सीधा, सामने भी कुछ नहीं दिख रहा यार इन फुटबॉल्स और ऑब्स्टिकल्स की वजह से। चल चल चलो भाई, फुटबॉल्स गए सारे, ऑब्स्टिकल्स। ओ हो भाई, ऑब्स्टिकल्स की भरमार तो अब आई है। ओ कलुआ का पहला जंप बिल्कुल सही रहा, लेकिन नीचे देख नीचे देख नीचे। ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई आराम से भाई, आराम से भाई साहब, ऑब्स्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं भैया रेस ट्रैक्स में। चलो कोई बात नहीं, पहले ऑब्स्टिकल्स को गिरने दो। चल चल चल, हौले हौले बेटा हौले। हाँ क्या बात, ओहो ये तो बीच में ही अड़ गया था यार। चलो क्या बात है भाई, कलुआ भाई ने ऑब्स्टिकल को गिरा दिया है, सामने देख, लेकिन भाई अभी भी ऑब्स्टिकल्स गए नहीं, और डिफिकल्टी तो भाई उतनी ही बनी हुई है। ओहो लाइफ इन्वर्टर का ये बोर्ड, साइड साइड साइड, बहुत सही बहुत सही। ओहो अबे इसको हटा ले यार, क्या कर रहा है भाई नीचे भी। ये क्या यार, आगे कौन से, ये क्या न्यूक्लियर टैंक्स पड़े हुए हैं। अबे ये क्या कर रहा है यार भाई, अगर एक भी फट गया ना तेरे चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे। हौले हौले कर भैया, हौले हौले, बस भाई बस, बिल्कुल एंड फेस में पहुंचा हुआ है कलुआ। क्या भाई, सारे टायरों को नीचे गिराते हुए सारे ऑब्स्टिकल्स को। अबे यार अब तो फालतू में बकचोदी बस शुरू करे यार, अब लास्ट पॉइंट पे आगे देख रहे हो यार। इसीलिए मुझे ना भाई कलुए पे कई बार खुंदक्स भी चढ़ता है, सीधा सीधा चला यार भाई साहब। बिल्कुल जब लास्ट में आएगा ना ऐसी बकचोदी करने लगता है, स्पीड में कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन कहीं ये स्पीड इसके लिए खतरनाक नहीं। भाई क्या बात है यार, यस क्या बात है भाई, कलुआ भाई अपना रेस जीत गया यार फिर से। मतलब इसने शिनचैन और नोबिता को भाई खड़े खड़े ही हरा दिया, यस क्या बात है कलुए। और देख यार कलुए भाई, इस बार हमने तेरा प्राइज मनी भी ऑलरेडी रखा हुआ है, यहाँ पर है भाई 5-5 गोल्ड ट्रेज, क्या बात है यार। और ये सारे के सारे डायमंड्स भी तेरे ही हैं, कैसा लगा कलुए। थोड़ा कम है शॉन भाई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज का स्टंट रेस खेल कर तो बहुत मजा आ गया मुझे। मैं चला अपना प्राइज मनी कलेक्ट करने, और मैं तो चला शाम को पार्टी भी देनी है। तो चलो यार इसे करने, तो अपने प्राइस में कलेक्ट हम भी चलते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड प्लीज़ यार 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो यार, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे कनेक्टेड। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।